सर रमजान शुरू हो चुके हैं, फिर तब नहीं, फिर उसके बाद तबलीगी जमात वाले आएंगे और कहेंगे कि क्यों हमारी आस्था हमारा अकीदा कहाँ गया, ये क्या बात हुई, कोरोना आस्था देखेगा। त्रिवेदी जी, कुंभ मेला भी बड़ी चीज नहीं थी क्या, रिलीजियस गैदरिंग जो हुई 1700, मेरे पास जो अभी फिगर है 1700 पॉजिटिव आए। आज सड़कों पर निकलिए, लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए सब देख रहे हैं ना। डाल दिया जाएगा, सरकारों पे डाल दिया जाएगा तो वो जायज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी है, केंद्र में सरकार में आप पे हो। देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और अस्पतालों में लोग परेशानी झेल रहे हैं। अगर कोरोना के रोजाना मामलों पर नजर मारे तो ये आंकड़ा अब 275,000 के पार हो गया है, जल्द ही ये आंकड़ा 3,00,000 तक भी जा पहुंचेगा। ऐसे में कुछ डिबेट गोदी मीडिया के चैनलों पर देखने को मिले, जिनमें सवाल भाजपा के नेताओं से किए गए। एबीपी न्यूज पर कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर भाजपा नेता से सवाल किए। जब वे अपने जवाब में सरकार की तारीफ करने लगे तो एंकर भाजपा नेता पर भड़क उठी और सही से जवाब देने को कहने लगी। मैं कह रही हूँ कुंभ, कुंभ कब आप बंद करवाएंगे? 28 तारीख तक न जाने क्या आलम हो जाएगा, वहाँ तो आपकी सरकार है। देखिए जहाँ तक कुंभ का मामला, देखिए सरकारों की बात नहीं है, ये एक आस्था से जुड़ी हुई चीज है। जो भी लोग भी इस आस्था में बिलीव करते हैं उन सबको इकट्ठा आके अगर वो उनको बंद कराना है तो ये कोई सरकार के वजह से नहीं, आस्था देखिएगा, सरकार तो ठीक है, सरकार सब मुहैया करती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं मैं यहाँ अग्री नहीं करूंगी आपसे, नहीं जफर इस्लाम साहब, क्या आस्था से जुड़ा हुआ तो सर रमजान शुरू हो चुके हैं, फिर तब नहीं नहीं फिर उसके बाद तबलीगी जमात वाले आएंगे और कहेंगे कि क्यों हमारी आस्था हमारा अकीदा कहाँ गया, ये क्या बात हुई, कोरोना आस्था देखेगा। वो डॉक्टर अंशुमान सुनेंगे तो दोबारा हंसेंगे, कहेंगे कोरोना सेक्युलर है जफर इस्लाम साहब, हिंदुओं की आस्था आस्था और मुसलमानों की आस्था की। आज तक पर भी कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने कोरोना के मुद्दे पर सवाल भाजपा नेता संबित पात्रा से किया, जिस पर संबित सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे, पर एंकर ने संबित को टोका और मौजूदा हालात पर जवाब देने को कहा। बिल्कुल रोकनी पड़ेगी, इसके बारे में नेशन वाइड, नेशन वाइड सर, और ये कदम एक दिन भी अब आप लेट नहीं कर सकते हैं, एक एक दिन, ये वायरस नहीं आके बताएगा ना, और आप तो डॉक्टर ही हैं सर। नेशन वाइड पब्लिक गैदरिंग पर रोक इंस्टेंट। आसाम में हर दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जबकि छत्तीसगढ़ एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां वो प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी के गोल पोखर वाले रैली के विषय में जो परसों था, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। सर ये आपकी तमाम बातें जायज है, तमाम बातें जायज है, आप इसको जरूर पूरा कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के कौन है, मुखिया कौन है? लेकिन पब्लिक गैदरिंग्स पर अगर बड़ा फैसला लेना है तो इस पर देश के मुखिया को ही फैसला लेना होगा। ये कौन सा नेता कहाँ गया, ये कैसे समझाइएगा? आज सड़कों पर निकलिए, लोग पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए सब देख रहे हैं ना, मतलब अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर, जिसको कहते हैं द बक स्टॉप्स एट हिज डोरस्टेप। कोरोना के मुद्दे पर न्यूज 18 चैनल पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर भाजपा नेता से सवाल किए, जिस पर नेता सरकार की तैयारियों पर बात करने लगे। तभी एंकर ने नेता को बीच में टोका और चुनावी रैली को ना रोकने पर सवाल किए। जो इस समय हम हर प्रदेश में स्थिति को खराब होते हुए देख रहे हैं, मैं गुजरात की ये विजुअल दिखा रहा हूँ, गुजरात के अंदर एम्बुलेंस की एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे आप इन सब चीजों के बारे में? कहीं ऑक्सीजन की कमी है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि उनकी अपनी ऑक्सीजन वहाँ बनती नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से आती है लेकिन वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही। मैं आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताता हूँ, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए इस समय मैं मान रहा हूँ भयावह स्थिति है ये, इसमें सारा ब्लेम अगर नेताओं पे डाल दिया जाएगा, सरकारों पे डाल दिया जाएगा तो वो जायज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी है, केंद्र में सरकार में आप पे हो। और अजय, डॉक्टर अजय कुमार ने एक जायज बात बोली, तारीफ आपकी होगी तो सवाल भी आप पे खड़े होंगे। क्या ये निंदनीय बयान नहीं है, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी एकजुट हो जाएं, राजनीतिक दल भी, संघीय ढांचे में केंद्र सरकार होती है और प्रदेश की सरकारें होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो केंद्र की सरकार में विपक्ष में हो वो प्रदेश की सरकारों में सत्ता में हो। जी न्यूज पर भी कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने पहले वैक्सीन की कमी पर सवाल किया, जिस पर नेता सरकार की ही तारीफ करने लगे, पर एंकर ने उन्हें फिर कुंभ मेले पर जवाब देने को कहा। वो कहावत भी है, जब मतलब घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, आपके घर में वैक्सीन पूरी नहीं है, आप 6.5 करोड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो वैक्सीन एक्सपोर्ट की बात है उसमें दो बातें समझने वाली है, कोवैक्सीन पूरी तरीके से भारत में निर्मित थी, उसके सारे ट्रायल्स भारत में हुए थे,
कोविशील्ड वैक्सीन कई देशों के संयुक्त प्रयास से थी, जिसका कि ट्रायल से लेके मैन्युफैक्चरिंग में कई देशों का रोल था। तो मालूम बात है उस कोविशील्ड में हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थे कि हमें इतनी कोवैक्सीन कोविशील्ड बाहर भेजनी थी। त्रिवेदी जी, कुंभ मेला भी बड़ी चीज नहीं थी क्या? रिलीजियस गैदरिंग जो हुई 1700, मेरे पास जो अभी फिगर है 1700 पॉजिटिव आए हैं, और ये कह रहे हैं सुपर स्प्रेडर एक तरीके से, इससे बहुत बहुत राज्यों में जब ये लोग जाएंगे तो कोरोना फैलेगा, क्यों दी गई परमिशन? देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, कुंभ मेला की तैयारी महीनों पहले से होती है, आज की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह हो गई। अगर ऐसे ही मीडिया हर जरूरी मुद्दे पर सवाल विपक्ष के नेताओं की बजाय सरकार के नुमाइंदों से करने लगे तो शायद सरकार भी देश की समस्याओं पर ध्यान देने लगे। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया आगे से जरूरी मुद्दों पर अपनी डिबेट में चर्चा करता रहेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।